हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आप सभी का फ्री फिटमैन शरण क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू जॉइन द स्ट्रोक्स। इज दैट क्लियर? नाउ बिफोर गोइंग टू जॉइन द स्ट्रोक, सो हाउ टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर टू। इज दैट क्लियर? ओके, हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। सो देखिए, हमारे पास में स्ट्रोक्स है। आप सभी ने कंसोनेंट्स पढ़ चुके हैं तो हमारे पास स्ट्रोक्स है। कोई भी स्ट्रोक्स ले लो आप, हमारी जो बुक की लाइन है, ठीक है। सो इट्स लाइन ऑफ अवर नोटबुक, ठीक है। पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। सम पॉइंट्स आपको याद रखना है। यू हैव टू राइट डाउन द स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेन। इज दैट क्लियर? विदाउट लिफ्टिंग द पेन यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रोक्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि लाइट स्ट्रोक एंड डार्क स्ट्रोक, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखिए एक्सरसाइज नंबर टू हम पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर स्ट्रोक है हमारे पास में पी, ठीक है, तो इसे पी 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 पी, ठीक है। सो ये जो लेंथ है ये होना हमें 1/6, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे पेन उठा लूंगा, उठा ले रहा हूँ, ठीक है, पी ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने विदाउट लिफ्टिंग द पेन लिखना है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन उसकी प्रैक्टिस करना है, लाइट स्ट्रोक पी, ठीक है, लाइट स्ट्रोक पी। अगर आपको दिया है चे, चे करो चे, तो ये हमारा चे का स्ट्रोक है, ठीक है। सो ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन है और लाइट स्ट्रोक है चे 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 चे, ठीक है। आपको अगर बोला है कि एच निकालो, हे एच के यानी हे के दो स्ट्रोक से आपको पता है। सो दोनों प्रैक्टिस करो, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये वगैरह हे 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 और हे। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद में आपको अगर इस टाइप्स में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप रैंडमली कंसोनेंट्स को पिकअप करो और उसके साथ में प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल कैसा है देखो, पी बी, ठीक है, चे जे के यन इंग एम, इज दैट क्लियर, एफ वी, ठीक है, इथ दी, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमली कंसोनेंट्स ओपन आप यूज करो और इसे ऐसे ड्रॉ करो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जॉइनिंग द स्ट्रोक्स। आपके अगर स्ट्रोक्स एक बार कंफर्म हो जाते हैं तो हमें नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है जॉइनिंग द स्ट्रोक्स। आप कोई भी स्ट्रोक्स उठा लो, आप कोई भी स्ट्रोक्स, ठीक है, तो आप कोई भी स्ट्रोक्स अगर उठा लो तो आपको उसे ज्वाइन करते आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्वाइन करना है, एक्सरसाइज नंबर थर्ड, ठीक है। सो हमारा जॉइनिंग द स्ट्रोक्स का जो पार्ट है वो है एक्सरसाइज नंबर थर्ड। अभी देखो, आपको मैंने बताया है कि अगर स्ट्रोक्स ज्वाइन करना है तो फर्स्ट स्ट्रोक का जो एंड पॉइंट होता है उसे वहाँ पे पेंसिल नहीं उठाते हुए उसे डायरेक्ट करना है, यानी विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ठीक है, और पेन व्हाट एवर यू हैव टू यूज इट, ठीक है। तो देखिए कैसा है एक्सरसाइज नंबर थ्री। एक्सरसाइज थ्री में क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन जो है हमारी है पी पी टी पी डी, इज दैट क्लियर, पी पी सी एच, ठीक है, पी सी एच, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है तो ये हमारी बुक की लाइन है, तो हमें क्या करना है, तो पी पी तो आपको पता है पी का स्ट्रोक लाइट है, पी हो गया है, ठीक है। उसके बाद पी टी यूज करना है, ये हो गया हमारा लाइट स्ट्रोक, ये हो गया हमारा टी पी टी, ठीक है। लेंथ शुड बी सेम, ऊपर जैसे अगर निकाला है वैसे ही सेम, वही इतने ही लेंथ में 1/6 लेंथ होना है, ठीक है, नहीं तो फिर पी हम राइट निकालेंगे और टी को हम नीचे बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेंथ शुड बी सेम इन द ऑल डायरेक्शंस, इन द ऑल साइजेस, ठीक है। सो पी एंड पी टी, पी डी ये पी डी, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन पी जी एच, पी लाइट स्ट्रोक सी एच, इज दैट क्लियर, पी जे
सी एच जे पी जे, ठीक है, और पी के विलयन ऑन पी के, इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू प्रैक्टिस इन दिस वे, पी पी डी पी डी, अभी पी हो गया, बी के साथ में कर लो, ठीक है, सो बी एफ बी टी बी बी वी बी एफ, ठीक है, और कर स्ट्रोक्स में देखिए कैसा होता है कर स्ट्रोक्स, ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्टेज टू। कर स्ट्रोक्स में क्या कैसे प्रैक्टिस करना है, कोई भी अगर कर्स रहता है, फॉर एग्जाम्पल एफ और आर रहता है, ठीक है, एफ आर वी आर, ठीक है, एफ आर एल, इज दैट क्लियर, फिर एफ आर एल एन डी, ठीक है, ये कंसोनेंट से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, एफ टी, ठीक है, देखिए क्या है, एफ आर आपको पता है एफ की क्या है, एफ का स्ट्रोक्स क्या है, ठीक है, तो एफ क्या है और आर क्या है, ठीक है, तो आपको पता है एफ, ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन देखो, ये हो गया एफ और ये हो गया हमारा आर, एफ आर, ठीक है, कर और आर लाइट, ठीक है, वी आर आपको वी आर पता है, एफ पता है, एफ लाइट है तो वी कैसा है, डार्क है, ठीक है, तो ये वी हमारा डार्क हो गया है वी, और इसको हो गया वो, ये हो गया हमारा आर, ठीक है, सॉरी वी और आर, एफ आर एल, ठीक है, एफ पता है आपको लाइट है, ठीक है, डार्क लाइट डायरेक्शन याद रखिए, एफ, ठीक है, ये आर, और एल भी पता है आपको, ये हो गया एल, एफ आर एल, ठीक है, तो एफ आर एल डी भी है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफ, ठीक है, देखिए अगर मैं भी यहाँ पे अगर आपकी जो आप मैं जब स्ट्रोक्स निकालता हूँ मैं वहाँ पे उसको इरेज करता हूँ, तो आपने वैसे नहीं करना है बुक्स पे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है, मुझे है नोटबुक पे प्रैक्टिस, ठीक है, सो एफ आर एल डी क्या है, देखो ये एफ, ये आर एल, और ये हो गया हमारा डी, इज दैट क्लियर, एफ आर एल डी, आगे ध्यान में, ठीक है, एफ टी, एफ क्या है, एफ, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा टी, सो पिकअप ईच कंसोनेंट, पिक द ईच कंसोनेंट ऑफ द कंसोनेंट एंड प्रैक्टिस इन दिस वे, अभी पी हो गया, एफ हो गया, आपको जो भी कंसोनेंट होना है, नहीं तो फिर अपने नोटबुक में है, बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस द पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक, ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर थर्ड एंड फोर्थ आपको करनी है, एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड फोर आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द वॉवेल्स, इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।